वहीं रुद्रपुर में एएनएम दीपा जोशी ने स्वास्थ्य विभाग पर कोविड वेबसाइट पर हेराफेरी करने का आरोप लगाते हुए रुद्रपुर जिला अस्पताल में तैनात एएनएम दीपा जोशी ने सीएमओ को एक शिकायत सौंपी है, जिसमें उन्होंने उनके साथ की गई धोखाधड़ी के मामले में जांच कर कार्रवाई की मांग भी की है। तस्वीरें आपके सामने। में वैक्सीनेशन मेरे द्वारा किया गया 7,31,000 लोगों को मैंने वैक्सीनेशन किया, उसका 50% मैंने मेडिकल कॉलेज में अचीव किया, क्योंकि वहां पे मैंने 16 जनवरी से लेके आज तक लगातार ड्यूटी की है। सिर्फ एक संडे को मैंने ऑफ लिया है, कंटिन्यू 12-14 घंटे पर डे किया है, वो हमने अचीव किया। लेकिन वहाँ पर पोर्टल में मैं वैक्सीनेशन करती थी 1,000, 1,200, 900, 800, 1,500 पर डे के हिसाब से, और उसमें आईडी जो है किसी और के नाम बना दी गई, जिसमें जो है वैक्सीनेशन मैं करती थी, रिपोर्ट किसी और कोविन पोर्टल पर किसी और के नाम चले जाते थे। उसके सर्टिफिकेट मैंने जब मेरा भारत सरकार से नाम नहीं आया तो मैंने फिर जांच की, कोविन पोर्टल खोल के देखा तो वहाँ पे 10 जून को कोई सालनी नयाल नाम की एनम वहाँ पे आके वैक्सीनेशन करती हुई पाई गई ऑन कोविन पोर्टल। वैक्सीनेशन तो मैंने किया ऑन पोर्टल, और ये 5 सितंबर की रिपोर्ट है। 5 सितंबर रिचिता सिंह को इन्होंने 10 जून को लगाया है ऑन पोर्टल मेडिकल कॉलेज की आईडी से। ये मेडिकल कॉलेज की आईडी है, जेलेन आप देख सकते हैं, ये रुचिता सिंह है, और अंदर से आप इसको देख सकते हैं शांति नयाल ने लगाया। मैं इनको जानती नहीं हूँ, और ये मेरे यहाँ ये पोर्टल के नाम बना दिए थे, हमें नहीं बताया था। उधम सिंह नगर के नानकवत्ता थाना क्षेत्र में एक ही परिवार की आपसी लड़ाई में जमीन को लेकर गोली चली है, जहां पर एक व्यक्ति घायल हो गया, वहीं एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है। जीत सिंह नामक युवक हमारे अस्पताल में आया है, जो कि 35 साल का है, फुलैया का रहने वाला। इसके द्वारा बताया गया है कि इसके पैर में गोली लगी है। अभी फिलहाल प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है, फिर उसे एक्सरे करा के फिर आगे क्षेत्र में भूमि विवाद को लेकर, जैसे कि प्रथम दृष्टया लग रहा है, दो पक्षों में गोलीबारी हुई है, जिसकी वजह से आदमी की मृत्यु हो गई है, और उसी में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि मामला क्या है, तो उसको देखा जा रहा है। जो भी के आधार पर और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की।